देखो ध्यान दो, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1 में आज हम सीखेंगे पूर्णांकों को जोड़ना, पूर्णांकों को घटाना, पूर्णांकों को गुणा करना और पूर्णांकों के भाग करना। इनमें आप लोगों के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हम सीखेंगे योग करना। बेटा अगर समान चिन्ह है, अगर क्या है आपके समान चिन्ह, तो हमेशा आपको योग करना है। समान चिन्ह है तो हमेशा संख्याएं जुड़ती हैं, और असमान चिन्ह है तो हमेशा संख्याओं को आपको घटाना है। अगर समान चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ना है, और असमान चिन्ह है तो संख्याओं को घटाना है। समान चिन्ह कैसे, जैसे दोनों चिन्ह प्लस के हैं, ये पूर्णांक भी प्लस का है और दूसरा पूर्णांक भी प्लस का है, और इनको जोड़ना है तो हमेशा आपके संख्याएं जुड़ेगी, और चिन्ह भी यही आएगा जो चिन्ह आपको दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो में कितना जोड़ना है, 4, तो कितना हो गया 6। ये 2 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, और 6 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अब दूसरा है, अगर मान लो ये वाला भी ये माइनस का और इधर भी माइनस का, और दोनों को जोड़ना है। मैंने क्या कहा, समान चिन्ह, ये भी माइनस का है माइनस, दोनों को जोड़ना है, तो भी आपकी संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। कैसे, जैसे माइनस का 2, इसमें प्लस करना है कितना, माइनस का 4। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस का 2 और ये प्लस और माइनस जब अंदर ब्रैकेट हटता है ना, तो ये माइनस हो जाता है 4। अब ये दोनों देखो, 2 समान चिन्ह है ना, इसका मतलब हो गया माइनस का 6। जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, आपके माइनस का। ये तो होता है आपके समान चिन्ह में, चाहे 2 के लिए हो चाहे 3 के लिए हो। अगर मैं कह दूं कि -2 -4 -2, तो फिर आप क्या लिखोगे, माइनस का जोड़ में योग में, 2 4 6 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, चिन्ह वही रहेगा माइनस का। और असमान चिन्हों में क्या होगा, जैसे मान लो कि प्लस, आगे वाला पूर्णांक तो प्लस का है और पीछे वाला पूर्णांक माइनस का है, और उनको प्लस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आगे वाला नंबर तो ले लिया मैंने 4 प्लस, और ये ले लिया माइनस का, ठीक है, इस पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है। ठीक है, तो इसको करो, तो 4 प्लस को माइनस गुणा कर तो -2 बराबर कितना आ गया, 4 2 2। असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, यानी कि माइनस होता है बाकी होता है। जैसे मान लिया तो आगे हो चाहे पीछे, जैसे आगे वाला है माइनस का और पीछे है प्लस का, और इनको हमें माइनस करना, प्लस करना है। ठीक है, जैसे ये तो है माइनस का 4, ये प्लस, और ये है प्लस का 2। ठीक है, प्लस वाले पे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ये असमान अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, 4 2 गया तो 2, और बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो ये जो नंबर बड़ा होगा उसी नंबर पर आपको चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ 4 प्लस का बड़ा था तो प्लस का 2 बचा, यहाँ 4 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 बचा। तो आपको ध्यान रखना है, जोड़ करते समय अगर समान चिन्ह है तो हमेशा जुड़ेगा, जैसे दोनों तरफ प्लस के या दोनों तरफ माइनस के। असमान चिन्ह है, जैसे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का, या एक तरफ माइनस का दूसरी तरफ प्लस का, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होता है, हमेशा घटता है। तो ये तो आपकी किसके अंदर होता है, योग के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं व्यंकलन। व्यंकलन यानी कि बाकी के अंतर्गत क्या होता है, अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं, अगर इधर भी माइनस का है, ठीक है, और इधर भी माइनस का है, और इन दोनों को भी क्या करना है, माइनस। समान चिन्ह है तो हमेशा बाकी हो, क्या होगी, बाकी। कैसे, देखो माइनस का 2, इसमें माइनस करना है माइनस का 2। ठीक है, जैसे 4, कोई सा भी नंबर आप दे सकते हो, माइनस का 4, तो आगे कोई नंबर नहीं है तो कोष्ठक ऑटोमेटिक कट जाता है। जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, प्लस, कितना, 2। ठीक है, अब देखो यार 4 में अलग अलग चिन्ह है, वो गुणा वाला नियम लगा, जोड़ वाला नियम लगा के घटाएंगे, बताओ 4 2 गया तो 2, और किसका बचेगा, माइनस का। अगर समान चिन्ह है तो बाकी होगी, जैसे दोनों तरफ प्लस के हैं, जैसे प्लस का और इधर भी प्लस का, ठीक है, और इनको करना है माइनस। प्लस का है 4 और माइनस इधर प्लस का है 2, तो 4 2 तो कितना आ गया, 6, मतलब कितना गया, 4 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है ना, तो व्यंकलन में अगर समान चिन्ह है तो हमेशा आपको माइनस करना है। अब देखो असमान, असमान चिन्ह है, अगर आपके पास असमान चिन्ह है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस। कैसे, देखो
एक तरफ तो ये माइनस था और दूसरी तरफ है प्लस था और इनको करना है माइनस, ठीक है। प्लस करोगे मतलब दोनों, ये नियम लग जाएगा ये वाला, अगर दोनों जगह चिन्ह माइनस किया तो माइनस में होगा और दोनों जगह चिन्ह प्लस किया तो प्लस में होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ है माइनस का चार, यहाँ है माइनस और यहाँ प्लस का दो, ठीक है ना। अब देखो माइनस को है इसे चार, ये माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस का दो, देखो दोनों माइनस के हैं। अब ये वाला नियम लग जाएगा, ये वाला कितना हो गया बेटा, माइनस का चार, ये माइनस का छः, संख्या जुड़ी लेकिन चिन्ह किसका रह गया, माइनस का। चाहे फिर दूसरा जैसे आगे तो है प्लस का और पीछे है माइनस का और इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे मान लो यहाँ आया आपके आठ माइनस, ये तो है प्लस का और ये माइनस का है यहाँ पर दो, देखो आठ का तो आठ है इसे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और कितना दो, आठ और दो कितना हो गया दस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्लस के, इसमें क्या है प्लस का। तो व्यंकलन में अगर समान चिन्ह है तो घटेगा, असमान चिन्ह है तो जुड़ेगा, जबकि योग में समान चिन्ह तो जुड़ेगा, असमान चिन्ह तो क्या होता है आपके घटता है, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा के लिए, आगे समझिए उतार लेना इसको। अब देखो गुणा में, गुणा में क्या नियम लगता है वो देखेंगे, ठीक है। गुणा में यदि आप समान चिन्हों का गुणा करते हो, समान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो हमेशा आपको प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, यानी कि हमेशा प्लस आएगा समान चिन्हों का गुणा करने पर। कैसे, अगर मैं प्लस को गुणा करता हूँ प्लस से, ठीक है, तो हमेशा आपको प्लस ही प्राप्त होगा। कैसे, चार है प्लस का इंटू यहाँ पर ले लेते हैं चार तीन लेते हैं, ठीक है, ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की है, प्लस के आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। चार की कितना हो गया बारह, तो जो इनका उत्तर आएगा वो भी प्लस में आएगा। और नंबर ले लो, जैसे कोई सा भी, दो है प्लस का और सात है प्लस का, सात दूनी कितना हो गया चौदह, प्लस का आएगा, समान चिन्ह पर हमेशा प्लस आएगा। अब देखो जैसे एक नंबर तो है माइनस का और दूसरा है माइनस का और इनको करना है गुणा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का समान चिन्ह है, दोनों गुणा करना है। जैसे माइनस का चार, इसको गुणा करेंगे माइनस के दो से, ठीक है। तो पहले माइनस माइनस गुणा होगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, चार दूनी कितना हो गया, तो नंबर किसका आएगा प्लस का, चाहे तो चिन्ह प्लस के हो चाहे दोनों चिन्ह माइनस के हो, उत्तर हमेशा आपके प्लस का आएगा, जबकि जोड़ में उल्टा, अगर चिन्ह प्लस के हैं जोड़ना है तो प्लस में संख्या आएगी, चिन्ह माइनस के हैं संख्या जुड़ेगी लेकिन संख्या किसकी आएगी माइनस की, लेकिन गुणा में ये होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर असमान चिन्ह है, अगर क्या है आपके असमान चिन्ह, अगर असमान चिन्ह है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा गुणा करने पर, माइनस। जैसे अगर मैं प्लस, हमेशा क्या आएगा माइनस, अगर मैं प्लस को गुणा करता हूँ माइनस से, ठीक है, तो भी उत्तर क्या आएगा माइनस आएगा। कैसे, अगर मैंने यहाँ दो ले लिया प्लस का इंटू माइनस का तीन ले लिया, तो देखो ये पहले प्लस और माइनस गुणा हो जाता है माइनस, और दो को तीन से गुणा करेंगे तो छः आ जाएगा। अब चाहे चिन्ह पहले आगे माइनस का ले लो और पीछे प्लस का ले लो और भी इनको करना है गुणा। जैसे माइनस का ले लिया मैंने तीन और प्लस का ले लिया मैंने दो, ठीक है, पहले माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस होगा और फिर तीन दूनी कितना होगा छ होगा। असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आएगा और समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, दो दो संख्याओं के लिए। अगर तीन संख्याएं हैं और तीनों माइनस की है, जैसे माइनस का तीन इंटू माइनस का दो इंटू माइनस का चार, तो आपके उत्तर क्या आएगा, तो आपके उत्तर आएगा माइनस में। कैसे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर आपके ये वाला गुणा। कैसे, देखो पहले माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है प्लस आता है, तीन दूनी कितना हो गया छः इंटू अभी तक कितना है माइनस का चार, तो देखो जब हम प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, छः चौका चौबीस, यानी कि तीन समान चिन्ह वाली संख्या है यानी कि माइनस की है, तो जो गुणा आएगा वो क्या आएगा माइनस। अगर संख्या चार है
माइनस तीन इंटू माइनस दो इंटू माइनस सात इंटू माइनस दो, ठीक है। अगर चार संख्या है और चिन्ह सेम है तो देखो पहले दोनों गुणा होगी फिर ये दोनों गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छ गुणा माइनस माइनस प्लस, सात दूनी चौदह, चौदह को आठ छह से गुणा करेंगे चौदह कितना हुआ चौरासी, ठीक है ना। और किसका प्लस का, तो आपको ध्यान रखना है दो समान अगर माइनस वाले चिन्ह गुणा होते हैं प्लस आता है, तीन समान माइनस वाले चिन्ह गुणा होते तो माइनस आता है, चार होते तो प्लस आता है, पांच होंगे तो माइनस आएगा, छह होंगे तो प्लस आएगा, इस प्रकार से आपको गुणा करना है, ठीक है। अगर बेटा तीन समान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस, देखो प्लस वाले होंगे तो प्लस ही आएगा और माइनस वाले होंगे तो माइनस आएगा। अब देखो भाग, भाग वाला नियम देखते हैं। भाग में भी क्या है, अगर आप भाग में देखो भाग, यदि आप समान चिन्हों का भाग करते हो, समान चिन्हों का भाग करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, समान चिन्हों का भाग करने पर। जैसे अगर मैं प्लस में भाग दूं किसका, प्लस का, तो हमेशा उत्तर प्लस ही आएगा, और यदि मैं माइनस में भाग दूं माइनस का तो भी उत्तर हमेशा आपके प्लस ही आएगा। कैसे, जैसे मान लो चार है प्लस का और दो है प्लस का, ठीक है, दो का भाग चार में कितनी बार, दो बार, किसका आएगा प्लस का। यदि चार है माइनस का और दो है माइनस का, देखो माइनस में माइनस का भाग देने पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और दो का भाग चार में कितनी बार जाएगा, दो बार। तो कहने का मतलब यूँ है अगर आप समान चिन्हों का भाग करोगे तो उत्तर में से क्या आएगा आपके प्लस आएगा, और असमान चिन्हों का भाग करोगे तो उत्तर में से माइनस आएगा। असमान चिन्हों का भाग करने पर क्या आएगा माइनस, जैसे अगर मैंने प्लस में भाग दिया माइनस का तो हमेशा उत्तर माइनस आएगा, या फिर माइनस में भाग दिया प्लस का तो भी उत्तर आपके क्या आएगा माइनस आएगा। कैसे, जैसे मैंने चार है प्लस का और दो है माइनस का, देखो पहले माइनस का भाग प्लस में देने पर माइनस, दो का भाग चार में दो बार, ठीक है। ऐसे उल्टा कर लो, मान लो माइनस का तो है चार और प्लस का है दो, तो देखो प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस और दो का भाग उसमें दो बार। तो आपको ध्यान रखना है समान चिन्हों का जब हम भाग करते हैं तो प्लस आएगा, असमान चिन्हों का भाग करते हैं तो माइनस आएगा। तो आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग थे इसमें, ठीक है। तो